नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 1 जून 2018 के करंट अफेयर्स पे। तो आइए देखते हैं आज 1 जून को कौन कौन सी ऐसी नेशनल और इंटरनेशनल हेडलाइंस हैं न्यूज़पेपर में जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और हमारे करेंट अफेयर का पार्ट हैं। और देखिए, इस वीडियो में जो है आपको इस करेंट अफेयर के बाद जो है एक स्पीड टेस्ट देने को मिलेगा। आपको जो है उसमें आज के करेंट अफेयर और पिछले करेंट अफेयर पर आधारित प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो आप इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा क्योंकि ये आपके सभी परीक्षाओं के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और देखिए, अगर आप इस चैनल से जो है डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और जीएस का जो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन है इसको पाना चाहते हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का जो आइकन दिख रहा है उसको उस पर जो है प्रेस कर दीजिए। और आप जो है मेरा उत्साह वर्धन करने के लिए जो है इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा करे तो, और इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करेंट अफेयर सेशन। देखिए, आज का जो करेंट अफेयर सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज का पहला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे संतोपा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, ये सम्मान दिया गया है 2 व्यक्तियों को और ये व्यक्ति हैं कैलाश सत्यार्थी और AS किरण कुमार। और देखिए, इन दोनों को ये पुरस्कार जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा गुजरात में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया गया है और इन दोनों को, यानी कि कैलाश सत्यार्थी और AS किरण कुमार को, पुरस्कार स्वरूप 1-1 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई है। और देखिए, अब इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, कैलाश सत्यार्थी के बारे में आप जानते होंगे, इन्होंने जो है 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार जीता था मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से। और देखिए, आपके जो AS किरण कुमार हैं इनको आप जानते ही होंगे, ये जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो के जो है अध्यक्ष रह चुके हैं, यानी कि ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों के बारे में ये एडिशनल जानकारी याद रखिएगा। और देखिए, कैलाश सत्यार्थी के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए क्योंकि इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कैलाश सत्यार्थी जो हैं इनका जन्म 11 जनवरी 1954 को मध्य प्रदेश में हुआ था। और देखिए, ये जो है प्रोफेशनल यानी कि पेशे से जो है एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, लेकिन इन्होंने केवल 26 साल की उम्र में ही अपना जो प्रोफेशन है उसको छोड़ दिया और ये जो है बच्चों के लिए काम करने लगे, ठीक है। और इन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन नामक एक NGO यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, ठीक है। और इनका जो ये NGO है, ठीक है, बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है, इसने 144, ठीक है, टोटल 144 देशों के लगभग 83,000 जो बच्चे हैं उनके अधिकारों की रक्षा की और इसके लिए जो है इनको 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति का, ठीक है। और ये पुरस्कार इनको संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था मलाला यूसुफजई के साथ। तो आप ये सभी पॉइंट याद रखिएगा कैलाश सत्यार्थी के बारे में, ठीक है। और जो एस किरण कुमार है इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे, देखिए ये इसरो के और देखिए थोड़ा सा एस किरण कुमार के बारे में जान लीजिए। देखिए, ये जो है इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और देखिए इनका नाम जुड़ा है मॉम से यानी कि मार्स ऑर्बिटल मिशन से, ठीक है। देखिए, हुआ क्या है कि जो आपके किरण कुमार है, ठीक है, इन्होंने मंगल ग्रह की ओर भेजे गए मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि जो मार्स ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान था इसके साथ जो है इसके कक्षा में स्थापित करने के मामलों में सफलतापूर्वक इन्होंने रणनीतियां बनाई थी और इन्हीं की देन है कि जो मार्स ऑर्बिटल मिशन है वो सक्सेसफुल हुआ था। तो आप जो है ये एडिशनल पॉइंट इनके बारे में भी याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपने नए राजकीय प्रतीकों की घोषणा की है। तो देखिए, ये घोषणा की गई है अभी आंध्र प्रदेश के द्वारा। तो आप याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने अपने नए राजकीय प्रतीकों की घोषणा की है। देखिए, राजकीय प्रतीक का मतलब होता है कि राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय चिन्ह क्या है, ठीक है, राजकीय वृक्ष क्या है। तो ये सभी जो है राजकीय प्रतीक होते हैं और भारत में जो 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, इन सभी के जो है अलग अलग राजकीय प्रतीक हैं। लेकिन अभी तक जो है आपका जो आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना, ठीक है, जो कि अभी हाल ही में 2014 में जो है सेपरेट हुआ है, ठीक है, तो इन दोनों का जो राजकीय प्रतीक है वो सेम था, ठीक है। तो अब जो है देखिए, अगर राज्य अलग हो गया तो उसके राजकीय प्रतीक भी अलग होने चाहिए, ऐसा जो है मानना है, ठीक है। तो इसीलिए आंध्र प्रदेश ने अपने नए राजकीय प्रतीकों की घोषणा की है। और देखिए, जो विभाजन हुआ था 2014 में, ठीक है, उसके उपरांत तेलंगाना में चले गए आंध्र प्रदेश के कुछ भाग से आंध्र प्रदेश की जो इकोलॉजी यानी कि जो पारिस्थितिकी है ये जो है 2 भागों में विभाजित हो गई, ठीक है, और इसके चलते जो है नए राजकीय चिन्ह जारी करना आवश्यक था। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि आंध्र प्रदेश ने जो अपने नए राजकीय प्रतीक चिन्ह घोषित किए हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि ये आपके सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और जो भी मेरे स्टूडेंट जो है आंध्र प्रदेश से हैं वो इसको बहुत ही ध्यान सुनेंगे क्योंकि ये उनकी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। तो आइए जानते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश ने अपने नए राजकीय पक्षी की घोषणा की है और ये है रामा चिलुका।
और देखिए आंध्र प्रदेश जो है अब इसका नया राजकीय वृक्ष है नीम, ठीक है। और नीम को वहाँ पर यानी कि आंध्र प्रदेश में स्थानीय भाषा में वेपा चेट्टू कहते हैं। और देखिए जो आंध्र प्रदेश है इसका नया राजकीय पशु अब जो है कृष्णा जिंका है, ठीक है। और इस पशु को वहाँ पे ब्लैक बक के नाम से जानते हैं। और देखिए जो आंध्र प्रदेश है इसका अब नया राजकीय फूल है, ठीक है, यानी कि फ्लावर है, ये है चमेली, ठीक है। तो आप ये सभी चारों के चारों जो है राजकीय प्रतीक याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के, इनमें से कोई भी एक जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फिर से रिवाइज कर लीजिए, देखिए अब जो है आंध्र प्रदेश का नया राजकीय पक्षी है रामाचिलुका, नया राजकीय वृक्ष है नीम, नया राजकीय पशु है कृष्णा जिंका और नया राजकीय फूल है चमेली। तो आप ये चारों पॉइंट याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेटर को IPL 2018 के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। तो देखिए ये सम्मान दिया गया है ऋषभ पंत को। और देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, देखिए यहाँ पे बात हो रही है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है, यानी कि अभी कोई नया खिलाड़ी ही होगा जो इमर्ज कर रहा होगा, ठीक है, जो उभर रहा होगा, ठीक है, उभरता हुआ खिलाड़ी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन में एग्जाम में देखिएगा, केयर कीजिएगा, आपको जो नया खिलाड़ी दिखेगा उस जिसका नाम दिखेगा उसी पर टिक कीजिएगा अगर आपको कोई भी ऑप्शन एग्जैक्ट नहीं पता है। तो देखिए विराट कोहली तो बहुत पहले से खेल रहे हैं और रोहित शर्मा को खेले हुए भी हमें लगता है 4-5 साल से अधिक हो रहे हैं और हार्दिक पांड्या को भी लगभग 2 साल तो हो ही गए हैं। और ऋषभ पंत जो है इन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया, ठीक है। तो ये ऐसे जो है आप एग्ज़ाम में गेस कर सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर याद रखना है कि ऋषभ पंत जो है इनको IPL 2018 के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया है हाल ही में। और ये पॉइंट आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि IPL जो है देखिए काफ़ी चर्चा का विषय है और कल के वीडियो में शायद और परसों के वीडियो मैंने IPL के बारे में कुछ जानकारी दी है, उसको आप देख लीजिएगा क्योंकि उसमें से भी कई प्रश्न पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। और जो चौथा प्रश्न है यह है, प्रधानमंत्री मोदी 29 मई 2018 से किन 3 देशों की विदेश यात्रा पर गए हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी जो है 29 मई को यानी कि पिछले मंगलवार को जो है ये 3 देशों की यात्रा पर गए थे और ये यात्राएं की इन्होंने इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया की, ठीक है। और देखिए ये अपनी यात्रा के दौरान सबसे पहले जो है इंडोनेशिया गए और फिर सिंगापुर और फिर ये जो है लास्ट में मलेशिया पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये तीनों क्रम भी याद रखिएगा क्योंकि कई सारे एग्जाम में क्रम भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री मोदी जो है ये, देखिए एक प्रश्न ये आ चुका है, ठीक है, तो इसको ध्यान सुनिएगा। प्रश्न क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी 3 देशों की यात्रा के दौरान सबसे अंत में किस देश की यात्रा की। तो देखिए एग्ज़ाम में ये क्रम भी पूछ लेता है, देखिए एग्जामिनर का माइंड कब कहाँ कैसे घूम जाए कोई ठिकाना नहीं है। तो आपको मैं जितनी चीज़ें बताता हूँ वो आप ध्यान से सुना कीजिए। तो आप याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है ये 29 मई 2018 से अपने 3 देशों की यात्रा पर थे और ये 3 देश हैं इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया और यही क्रम भी है, ठीक है। पहले में इंडोनेशिया गए, फिर सिंगापुर गए, फिर मलेशिया गए। और देखिए इनका जो यात्रा था विदेश यात्रा इसका टारगेट क्या था इसको भी जान लीजिए। देखिए ये जो है पूर्वी एशिया के देशों के साथ संबंधों को और प्रगाढ़ करने की एक्ट ईस्ट नीति के तहत जो है ये 3 देशों की यात्रा पर गए थे अपने, ठीक है। और इनका जो पहला पड़ाव था ये इंडोनेशिया था, इसके बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। फिर बाद में दूसरा पड़ाव था सिंगापुर और तीसरा था मलेशिया। और देखिए प्रधानमंत्री जो है ये इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विदोदो और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हसीन लुंग के नेतृत्व पर जो है इन देशों की यात्रा पर गए थे। और देखिए इन्होंने केवल कुछ समय के लिए जो है मलेशिया की यात्रा की और यहाँ पर इनका खास जो फोकस था वो था जो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है महातिर मोहम्मद, ठीक है, इनसे मुलाकात करने के लिए जो है इन्होंने मलेशिया की भी यात्रा की। तो आप ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे आपको 3 और नए पॉइंट मिल गए हैं, देखिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विदोदो और सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं ली हसीन लुंग और मलेशिया जो है इसके नए प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर महातिर मोहम्मद। तो आपको ये तीनों नाम भी याद रखने हैं, ये भी एग्ज़ाम में पूछा सकता है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच कितने समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो देखिए टोटल 15 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं भारत और इंडोनेशिया के बीच में और इनमें जो प्रमुख समझौते हैं उनको जान लीजिए। देखिए भारत और इंडोनेशिया के बीच में रक्षा, रेलवे, अंतरिक्ष, फार्मा, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं तकनीकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और शिक्षा के क्षेत्र समेत जो है 15 समझौतों पर टोटल हस्ताक्षर हुए हैं। तो आप याद रखिएगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच में टोटल 15 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं और इनमें रक्षा, रेलवे, अंतरिक्ष, फार्मा, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं तकनीकी और शिक्षा शामिल हैं।
छठा प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इंडोनेशिया ने किस बंदरगाह को आर्थिक और सैन्य इस्तेमाल के लिए मंजूरी प्रदान की है? तो देखिए ये बंदरगाह है सबांग बंदरगाह, और देखिए ये बंदरगाह जो है इसका नाम आपसे सभी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो देखिए ये बहुत बड़ा समझ लीजिए डिसीजन लिया है इंडोनेशिया ने, क्योंकि देखिए इंडोनेशिया का जो सबांग बंदरगाह है अब इसको जो है हम अपने सैन्य अड्डों के लिए, यानी कि भारत जो है ये अपने सैन्य अड्डों के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और यहाँ पर जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट वाला कार्यक्रम है यानी कि व्यापार वाला कार्यक्रम है उसको भी कर सकता है। तो देखिए ये एक बहुत बड़ी सफलता कही जाएगी भारत की और प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा की। और देखिए इसका एक और महत्व है, देखिए यहाँ पे आपका जो है कुछ इंडिया लोकेटेड है और ये आपका चाइना है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे देश हैं आपके जो है क्या नाम है थाईलैंड वगैरह हैं, ठीक है, थाईलैंड वियतनाम और ये सारे, और यहाँ पे आपका सटा हुआ जो आपका म्यांमार है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए कुछ इस स्थान पे आपका जो है मैप में देखेंगे तो यहाँ पे आपका साउथ चाइना सी है, ठीक है, और ये काफ़ी विवादों में रहता है, और इंडोनेशिया कुछ यहीं पे लोकेटेड है, ठीक है। तो ये आपका जो इंडोनेशिया है, अगर यहाँ पे जो है हम अपना बंदरगाह बना लेते हैं, बंदरगाह यहाँ पे हमें मिल जाता है सैन्य अड्डा बनाने के लिए, तो देखिए ये दक्षिणी चीन सागर है और ये आपका चाइना, ठीक है, तो अगर चाइना हमें इधर से घेरेगा तो हम जो है इसको इधर से घेर कर रास्ते में ही खलास कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मतलब राजनीति, तो ये बहुत कहा जाए तो बहुत बड़ी जीत है भारत की। तो आप जो है देखिए इसीलिए ये पॉइंट जो है आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। देखिए हर चीज़ से हर मतलब कई ऐसे पॉइंट होते हैं जो किसी प्रश्न को महत्वपूर्ण बना देते हैं, तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस बंदरगाह के नाम को महत्वपूर्ण बना देते हैं और ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान जो इंडोनेशिया की सरकार है, ठीक है, इसने अपने सबांग बंदरगाह को जो है आर्थिक और सैन्य इस्तेमाल के लिए भारत को प्रदान कर दिया है, ठीक है, इसके जो है इस्तेमाल के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। अब थोड़ा सा इंडोनेशिया के बारे में जान लीजिए, देखिए इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया, ठीक है, और इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, तो आप ये दोनों पॉइंट भी याद रखिएगा। सातवां प्रश्न है, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के अनुसार बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत रोटोमैक कंपनी और उसके निदेशकों की कितने करोड़ की संपत्ति जब्त की है? तो देखिए जो आपका प्रवर्तन निदेशालय है इसने टोटल 177 करोड़ रुपए की संपत्ति अभी हाल ही में रोटोमैक कंपनी की जब्त की है। और देखिए जो रोटोमैक के कहा जाए डायरेक्टर हैं ये हैं विक्रम कोठारी, ठीक है, तो ये भी विजय माल्या की तरह बहुत बड़े चोर हैं, इन्होंने भी बैंक का कर्जा ले लिया लेकिन वापस नहीं किया। तो प्रवर्तन निदेशालय जो है जब खुलासा हुआ कि इन्होंने जो है बैंक का कर्जा वापस नहीं किया है, घोटाला कर लिया है, तो इनकी जो संपत्ति है टोटल 177 करोड़ रुपए की उसको जो है नीलाम कर दिया है, जो उसको जब्त कर ली है, अब इसको पैसे को बेचकर जो है ये पैसे वसूले जाएंगे बैंकों के। तो आप जो है देखिए ये अमाउंट याद रखेगा और विक्रम कोठारी का नाम याद रखेगा, ये बहुत ही बदनाम व्यक्ति हो गए हैं विजय माल्या की तरह। आज का आठवां प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय कार्टूनिस्ट को विश्व प्रेस कार्टून पुरस्कार के 13वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ कार्टिकचर श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये सम्मान दिया गया है थॉमस एंटोनी को, और देखिए जो ये पुरस्कार है ये 2017 में दुनिया भर के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित सर्वोत्तम कार्य को दिया जाता है। और देखिए वर्ल्ड प्रेस कार्टून वेबसाइट, अब थोड़ा सा हम इस पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि देखिए इसके बारे में एग्ज़ाम में पूछा तो नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है। देखिए ये पुरस्कार जो है मतलब पिछले एक वर्ष यानी कि जैसे कि अभी 2018 चल रहा है तो 2017 का एनालिसिस करके जो है पूरी दुनिया भर में जितने भी न्यूज़पेपर हैं और जितने भी पत्रिकाएं, ठीक है, उनमें जो प्रकाशित जो वर्क होता है, ठीक है, कार्टून वर्क, देखिए यहाँ पे कुछ आपको एक नमूना दिख रहा होगा, ठीक है, इनमें से जो जो बेस्ट कार्टून होते हैं उनके कार्टूनिस्ट को सिलेक्ट किया जाता है उनके नाम को, ठीक है, और उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो आप ये सभी जानकारी याद रखिएगा, लेकिन सबसे पहले आपको याद रखना है कि थॉमस एंटोनी को इस बार विश्व प्रेस कार्टून पुरस्कार के 13वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ कार्टिकचर श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और देखिए इनके साथ में कई और लोगों को भी सम्मानित किया गया लेकिन उनके नाम एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे इसलिए मैं उनको नहीं बताऊंगा, आप केवल थॉमस एंटोनी का नाम रखिए याद रखिए। और देखिए थॉमस एंटोनी के बारे में याद रखिएगा कि ये जो है केरल के एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं। आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और नवा प्रश्न है, हाल ही में पतंजलि ने किस चैटिंग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो देखिए इस ऐप का नाम है किम्बो, और देखिए ये ऐप जो है बिल्कुल आपकी व्हाट्सएप की तरह कार्य करता है, लेकिन अभी देखिए इसको रात में जो है गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया, ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत आ गई थी, लेकिन आप अगर एप्पल का आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो आप जो है ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप की तरह बिल्कुल ये काम करेगा। तो आपको याद रखना है कि पतंजलि जो है इसने अभी हाल ही में किम्बो नामक एक चैटिंग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, और देखिए ये काफ़ी चर्चा में आ गई है क्योंकि ये जो है काफ़ी विवादों से जुड़ गई है, और जो चीज़ विवाद से जुड़ जाती है
वो जो है एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती है। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पतंजलि का प्रोडक्ट है। देखिए पतंजलि के बारे में आप लोग काफ़ी जोक्स वगैरह बेचते रहते हैं, बनाते रहते हैं, पतंजलि की शराब बना देते हैं, मतलब जो चीज़ नहीं करनी चाहिए वो भी कर देते हैं। तो ऐसे ही पतंजलि ने कुछ खुराफात कर दिया है, इसने जो है अब आयुर्वेदिक चीज़ों के साथ जो है सॉफ्टवेयर में भी, यानी कि सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भी अपना एंट्री कर दिया है। और उसने जो है किम्बो नामक एक मोबाइल मैसेंजर ऐप बना दिया है। तो आप याद रखिएगा कि हाल ही में पतंजलि के द्वारा एक चैटिंग ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है किम्बो, और ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। 10वां प्रश्न है, रिमपैक 2018 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा। तो देखिए रिमपैक 2018 जो है ये अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया के पास हवाई द्वीप में आयोजित किया जाएगा, और उसकी तारीख रहेगी 27 जून से 2 अगस्त। और देखिए ये डेट याद रखना है अभी आपको, और ये प्लेस याद रखना है। बाकी जब ये 27 तारीख को स्टार्ट होगा और 2 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा तो उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी बस आपको प्लेस और डेट याद रखना है। और देखिए एक ख़ास सबसे चीज़ ये याद रखनी है आपको कि रिमपैक जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है, और इसमें भारत सहित कुल 26 देश जो है पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप ये एडिशनल चीज़ें याद रखिएगा और इन्हीं में से प्रश्न एग्जाम में बनेंगे। 11वां प्रश्न है, हाल ही में किसे पराग्वे की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये नियुक्ति हुई है एलिसिया पुचिदा की, ठीक है। तो आपको एलिसिया पुचिदा का नाम याद रखना है। देखिए मैंने पहले भी कहा है कि फर्स्ट इवेंट, फर्स्ट अपॉइंटमेंट और फर्स्ट अवार्ड जो है ये सभी जो है एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो देखिए किसी देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं ये, यानी कि एलिसिया पुचिदा जो हैं ये पराग्वे की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। तो इनका नाम जो है इसीलिए एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और देखिए इनके नाम से जुड़ी मैं आपको एक ख़ास बात बता देता हूँ। देखिए मैंने अप्रैल महीने में बताया था आपको कि पराग्वे जो है यहाँ के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, मारियो आब्दो वेनेटिस, ठीक है। लेकिन इनका कार्यकाल जो है ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ, इनका कार्यकाल जो है ये 15 अगस्त को स्टार्ट होगा, ठीक है। ये 5 साल के लिए जो है अपने पद के लिए कार्यरत रहेंगे। तो अभी 15 अगस्त आया नहीं है, और इसके पहले जो देखिए वर्तमान राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है होरासियो कार्टस, ठीक है, इन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। और इनका जो बचा हुआ कार्यकाल है 15 अगस्त तक का, ठीक है, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इनके स्थान पर जो है अस्थायी तौर पर जो है एलिसिया पुचिदा को अपॉइंट कर दिया गया है पराग्वे के राष्ट्रपति के रूप में। तो देखिए यही मुख्य बात है जो आपको समझनी है, ठीक है, और आपको समझ में भी आ गई आसानी से। यानी कि इन्होंने बिना चुनाव जीते जो है, बिना चुनाव लड़े जो है, जो पराग्वे है इसके राष्ट्रपति का पद जो है हासिल कर लिया है, और इसी के साथ इनके नाम के साथ जो है एक रिकॉर्ड भी जुड़ गया है कि ये पराग्वे की प्रथम महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। तो देखिए फर्स्ट इवेंट और फर्स्ट अपॉइंटमेंट और फर्स्ट अवार्ड के बारे में एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा था, तो इनके नाम के बारे में यानी कि एलिसिया पुचिदा के नाम के बारे में एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि एलिसिया पुचिदा जो है ये पराग्वे की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में अभी हाल ही में अपॉइंट हुई हैं, और इनका कार्यकाल जो है 15 अगस्त तक रहेगा। अब थोड़ा सा हम पराग्वे के बारे में जान लेते हैं। देखिए पराग्वे जो है इसकी राजधानी है असुसियन, ठीक है, और इसकी मुद्रा है परगुअन गुरानी। तो आप ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। और आज के करंट अफेयर का 12वां प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी को समाज कल्याण के लिए वर्ष 2018 के सबसे प्रेरक प्रतीक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए ये खिलाड़ी हैं युवराज सिंह, ठीक है, जिनके बारे में आप जानते होंगे, 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे इन्होंने, तो युवराज के काफ़ी सारे फैन भी होंगे यहाँ पर। तो देखिए आपको याद रखना है कि युवराज सिंह जो है इनको वर्ष 2018 के सबसे प्रेरक प्रतीक पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है हाल ही में। तो आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर और पिछले करंट अफेयर पर आधारित स्पीड टेस्ट को। तो देखिए स्पीड टेस्ट जो है ये सभी को देना चाहिए, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि इससे जो है आपका करंट अफेयर जो है पिछला रिवाइज हो जाता है, और आज का करंट अफेयर जो है ये अभी याद हो जाता है। तो अगर आपको निश्चित सफलता चाहिए एग्ज़ाम में तो आप जो है स्पीड टेस्ट जरूर दिया कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज के स्पीड टेस्ट का पहला प्रश्न है, भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। तो आपके सामने चारों विकल्प मौजूद हैं, आप जो है जल्दी से सही विकल्प चुनिए। और देखिए मैं आपको हर प्रश्न के बीच में टोटल 10 सेकंड का समय दूंगा, आपको 10 सेकंड में जो है सही विकल्प चुनना है और उत्तर देना है। तो आपका समय स्टार्ट हो गया है, आप जो है जल्दी से सही विकल्प चुनिए और सही उत्तर बताइए। और आज के स्पीड टेस्ट का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किसे संतोखबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपके सामने चारों विकल्प मौजूद हैं, आप जल्दी से सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए।
और आज के स्पीड टेस्ट का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपने नए राजकीय प्रतीकों की घोषणा की है। तो सही विकल्प चुनिए और सही उत्तर जल्दी से बता दीजिए। आपका समय स्टार्ट हो गया है अब। और आज के स्पीड टेस्ट का चौथा प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा प्राप्ति ऐप लॉन्च किया गया है। तो देखिए ये प्रश्न भी पिछले करेंट अफेयर का है, तो आप जल्दी से बताइए कि हाल ही में भारत सरकार की किस मंत्रालय द्वारा प्राप्ति ऐप को लॉन्च किया गया है। आपके सामने चारों विकल्प मौजूद हैं। आपका समय शुरू होता है अब। और आज के स्पीड टेस्ट का पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेटर को आईपीएल 2018 के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। देखिए आपके सामने फिर चारों विकल्प मौजूद हैं, आप जल्दी से बताइए कि किस क्रिकेटर को जो है आईपीएल 2018 के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपका समय शुरू हो गया है। और आज के स्पीड टेस्ट का छठा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इंडोनेशिया ने किस बंदरगाह को आर्थिक और सैन्य इस्तेमाल के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। तो आपके सामने चारों विकल्प मौजूद हैं। आपका समय शुरू हो गया है, जल्दी से सही उत्तर बताइए। और आज के स्पीड टेस्ट का सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो जल्दी से सही विकल्प चुनिए और कमेंट बॉक्स में सही उत्तर बताइए। और आज के स्पीड टेस्ट का आठवां प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय कार्टूनिस्ट को विश्व प्रेस कार्टून पुरस्कार के 13वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ कार्टिकचर पुरस्कार के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप सही विकल्प चुनिए और जल्दी सही जवाब दीजिए। और आज के स्पीड टेस्ट का नवा प्रश्न है, हाल ही में पतंजलि ने किस चैटिंग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो आपके सामने चारों विकल्प मौजूद हैं, जल्दी से सही विकल्प चुनिए और आपका समय स्टार्ट हो गया है अब। और आज के स्पीड टेस्ट का दसवां प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी को समाज कल्याण के लिए वर्ष 2018 के सबसे प्रेरक प्रतीक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपके सामने चारों विकल्प मौजूद हैं, सही विकल्प चुनिए और सही उत्तर जल्दी से बताइए। तो आपका समय समाप्त होता है और अब मैं आपको सभी प्रश्नों का सही उत्तर बताता हूं। आप जो है अपना आंसर मिला लीजिए और बताइए कि आज आपने 10 में से कितना स्कोर किया है। देखिए जो पहला प्रश्न है इसका सही उत्तर है पंकज सरन को, ठीक है। पंकज सरन को अभी हाल ही में भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अपॉइंट किया गया है। और देखिए भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो हैं अजीत डोभाल, ठीक है। तो आप ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा और आपको और डिटेल में जाना है तो आप कल का करेंट अफेयर देख लीजिएगा। और देखिए जो दूसरा प्रश्न है इसका सही उत्तर है कैलाश सत्यार्थी और AS किरण कुमार, यानी कि विकल्प सी सही होगा, ठीक है। यानी कि इन दोनों को जो है संतोकवा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है और पुरस्कार स्वरूप जो है 1-1 करोड़ रुपए की राशि दी गई है और इन दोनों के बारे में आप जानते ही होंगे। और जो तीसरा प्रश्न है इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो है इसने अभी हाल ही में अपने नए राजकीय प्रतीकों की घोषणा की है। और देखिए जो चौथा प्रश्न है इसका सही उत्तर है, ठीक है, भारत का जो विद्युत मंत्रालय है इसके द्वारा अभी हाल ही में प्राप्ति ऐप और एक वेबसाइट लॉन्च की गई है www.prapti.com, ठीक है। और इसके बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में जो है बहुत डिटेल में बताया तो आप उसको देख लीजिएगा।
और देखिए जो पांचवा प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा ऋषभ पंत। ठीक है, ऋषभ पंत को जो है आईपीएल 2018 के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। और देखिए जो आपका छठा प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा सबांग। ठीक है, देखिए आपका जो इंडोनेशिया, यहाँ पे एक बंदरगाह है जिसका नाम है सबांग। ठीक है, इंडोनेशिया ने अभी इस सबांग बंदरगाह को भारत को जो है अपने सैन्य अड्डे के लिए और व्यापार के लिए जो है इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी दे दी है, और ये मंजूरी मिली है प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया की यात्रा के बाद। और देखिए जो सातवां प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा संजय मित्रा। ठीक है, संजय मित्रा को जो है अभी हाल ही में डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का जो प्रमुख का पद है यानी कि हेड है, इसका जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा। और देखिए जो आठवां प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा थॉमस एंटोनी। जो है इनको जो है देखिए विश्व प्रेस कार्टून पुरस्कार के 13वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ कार्टूनिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया हाल ही में। और आठवां प्रश्न जो है इसका सही उत्तर होगा किम्बो। ठीक है, अभी हाल ही में बाबा रामदेव ने यानी कि पतंजलि द्वारा जो है अभी हाल ही में किम्बो नामक एक मोबाइल चैटिंग ऐप, ठीक है, यानी कि उसको कह सकते हैं मोबाइल मैसेंजर को जो है लॉन्च किया है, और इस मैसेंजर का नाम याद रखना है आपको क्योंकि ये जो है सभी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। और जो दसवां प्रश्न है इसका आपका जो है सही उत्तर है युवराज सिंह। ठीक है, युवराज सिंह को जो है वर्ष 2018 के सबसे प्रेरक प्रतीक पुरस्कार से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है, तो आपको ये सभी पॉइंट याद रखे हैं। तो आप जो है जल्दी से अपना स्कोर बता दीजिए कि आपने आज 10 में से कितना स्कोर किया है। तो देखिए जिनका 10 में से 10 नहीं आ पाता है वो घबराए नहीं, देखिए इसका मैं फार्मूला बताता हूँ। देखिए आप जो है नियम बना लीजिए, आपको एक बार सवेरे इस वीडियो को देखना है और इस टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करना है, और एक बार आपको शाम को देखना है और इस टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करना है। आप देखिए 10 में से 10 भी आ जाएंगे और ये जो है करेंट अफेयर आपके दिमाग में अमर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा, तो आप ये एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। तो इसी के साथ ये करेंट अफेयर सेशन ही समाप्त होता है। कल मैं फिर आपके लिए डेली करेंट अफेयर सेशन लेके आऊँगा। आप देखिए अगर आप चाहें तो इस वीडियो को मेरा उत्साहवर्धन के लिए लाइक कर सकते हैं और इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।